जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायं हि योगिनः, कामदं मोक्षदं चेव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम रौद्रमोहिनी, मंगलम कुंजकुंडायो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानाम सर्व धर्मानाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या आतो कर निरमूल अब करिए करिए। देवरो देव शास्त्र गुरु की निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि, उसका किस प्रकार विपरीत श्रद्धान होता है और वह श्रद्धान क्यों विपरीत है, उसकी यहां चर्चा सातवें अधिकार में चार प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का यहां वर्णन है। उसमें प्रथम मिथ्या दृष्टि जो यहां भेद करके समझाया है, निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि, वह प्रकरण अपना वर्तमान क्रम में स्वाध्याय में चल रहा है। जो बिंदु अपना चल रहा है उसमें बात यह है कि उसने ऐसा मान रखा है, किसने, निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि ने, कि परद्रव्य को जानने से आश्रव बंद होता है, अपनी पर्यायों को जानने से आश्रव बंद होता है। क्या मान रखा है उसने, कि परद्रव्य को जानने के काल में वीतरागभाव नहीं होता। क्या भैया, अपने पर्याय को जानने के काल में वीतरागभाव नहीं होता, बल्कि यहां टोडरमल जी साहब ने यह स्पष्ट किया है कि परद्रव्य को जानने के काल में भी वीतराग दशा रह सकती है ना। सिद्ध भगवान तो लोकालोक को जानते हैं, अरिहंत भगवान तो लोकालोक को जानते हैं, उसके बावजूद भी वीतराग दशा रह सकती है। यहां जो उदाहरण टोडरमल जी साहब ने लिया है, वह लिया है मुनि भगवंतों को स्त्री नाम का परिसह है ना, तो उस समय जानते तो हैं, लेकिन क्या है, परिणति में वीतरागता विद्यमान रहने के कारण उनके मुनि दशा है, मुनि दशा टिकी रहती है और वह परिसह जय होते हैं। अन्य स्त्री के परिसह होने पर भी उनके परिणाम नहीं बिगड़ते हैं। टोडरमल जी साहब ने एक सुंदर समाधान दिया है, अपन ने जिसकी चर्चा की थी, ज्ञानी धर्मात्मा बुद्धिपूर्वक तो रागादिक के निमित्तों को छोड़ते ही हैं। क्या बात हुई थी अपने, ज्ञानी धर्मात्मा बुद्धिपूर्वक तो रागादिक के निमित्तों को छोड़ते ही हैं, और कदाचित उदय की विचित्रता में उन रागादिक परद्रव्य का संयोग हो जाए तो अपने परिणाम नहीं बिगड़ने देते, इसीलिए वो ज्ञानी है। आई बात समझ, क्या भैया। तब शिष्य ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया था शिष्य ने, तो ग्रंथों में आचार्य महाराज ने इस जीव को आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण करने का क्यों उपदेश दिया है, जब परद्रव्य को जानने के काल में भी वीतराग दशा रह सकती है, तो आचार्य महाराज ने जगह जगह इस जीव को अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान और आचरण में उसमें रमणता का क्यों उपदेश दिया, उसकी प्रेरणा क्यों दी। तब उसके उत्तर स्वरूप यहां पर टोडरमल जी साहब ने कहा, अनादि से इस जीव को
और द्रव्य में आप रूप संतान है। क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है इस जीव की? अनादि से इस जीव की क्या गड़बड़ भैया? आप पर द्रव्य में आप रूप संतान है। देखना, वस्तु व्यवस्था तो ऐसी है कि द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव मतलब जो है ना उसकी अखंडता का उल्लंघन नहीं करता। भाव कोई भी द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका खंडन नहीं करता है ना। ध्यान रखना, आप चाहे कर्मों के बीच में रहे हो, चाहे अनेक शरीरों के बीच में रहे हो, पूर्व में क्या भैया कर्म के बीच में रहे, आठ प्रकार के कर्मों के साथ एक क्षेत्र अवकाश संबंध रहा है और नाना प्रकार के शरीर मिले हैं है ना, 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के शरीर मिले हैं। ऐसा होने पर भी इस जीव ने न तो कर्म को छुआ है और न शरीर को छुआ है। क्या बात पकड़ में आई आपको, क्या बात समझ में आई आपको? कब से है ऐसी व्यवस्था? अनादि से है। क्या अनादि से यह कर्मों के बीच में है? क्या भैया शरीर के बीच में है? बीच में मतलब कर्म के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध है इसका, शरीर के साथ इसका एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। ऐसा होने पर भी वस्तु व्यवस्था क्या है ये बताओ, वस्तु व्यवस्था क्या है कजावा साहब? कि इस जीव ने कर्म को और शरीर को आज तक छुआ ही नहीं। तो जैसा जब इस जीव ने शरीर को और कर्म को छुआ ही नहीं तो जीव में अशुद्धता कहां से आई? तो यहां आचार्य देव कह रहे हैं कि छुआ नहीं, शरीर तेरे से सदैव भिन्न रहा लेकिन तेने उसमें आप रूप श्रद्धान किया, ये तेरी अशुद्धता है। बात पकड़ में आ गया? क्या कजाब साहब अशुद्धता समझ में आ गई आपको? बीमारी समझ में आ गई? क्या बीमारी है जैसा? बीमारी क्या है? परद्रव्य को मैंने छुआ नहीं है लेकिन परद्रव्य रूप परद्रव्य को आप रूप मैंने माना है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। आई बात सर, वो बीमारी पकड़ ली आचार्य बंधु ने और उस बीमारी को मेटने के लिए कहा कि आत्मा में आप रूप श्रद्धा करो और परद्रव्य आपसे भिन्न है, ऐसा आपको श्रद्धान होगा, काम हो जाएगा, क्योंकि बाहर में तो कोई मिलावट हुई नहीं है। क्या हुई नहीं है? हो सकती नहीं है, ऐसा समझो आप। बात पकड़ में आ गया? क्या वस्तु व्यवस्था क्या कहती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उल्लंघन नहीं करता, पुद्गल जीव के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं, जीव पुद्गल के नहीं। तो भैया ये बीमारी क्या रही है कि दोनों अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहने पर भी इस जीव ने परद्रव्य को अपना माना है, ये गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बाबू जी? अपने में रहते हुए परद्रव्य को अपना माना है। ओहो, बात पकड़ में आई? क्या गजब की बात है, जीव अपने में रहते हुए परद्रव्य को अपना माना है, बाबू जी ये गड़बड़ है। आप अपने मकान में रहते हुए पड़ोसी के मकान का आप अपने को मालिक मानते हो तो बाबू जी गड़बड़ है। अभी तो आप पड़ोसी के मकान में गए नहीं, क्योंकि ऐसी तो व्यवस्था प्रकृति में है नहीं कि आप अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का उल्लंघन कर दो। गड़बड़ क्या हो गई है संजय जी भाई? गड़बड़ क्या हो गई? रहे तो आप अपने में रहे हो है? और मान क्या रहे हो? शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, गाड़ी मेरी है, मकान मेरा है। तो गाड़ी में ही है, स्त्री तो स्त्री में ही है, मकान तो मकान में ही है। बीमारी क्या है बाबू जी? तेने माना है। तो वो निश्चयवासी ये सोचता है कि मैंने जाना है ना, इसलिए गलत माना है। तो टोडर मल्ली साहब कह रहे हैं नहीं नहीं, जानने से मानने का कोई संबंध नहीं है।
तू ऐसा भी जान सकता था स्त्री को जानने के काल में कि ये मैं नहीं हूं। क्या मकान को जानने के काल में ऐसा कर सकता था कि ये मैं नहीं हूं? क्या बोलिए संजय जी बेटा, जाना तो सही मकान को, जाना तो सही स्त्री को, कैसे जाना? ये मैं नहीं हूं इस प्रकार का जानना, भले ही पर्दे को जान रहे हो लेकिन वो श्रद्धान सही है। बस इतनी सी तो बात है, लो कितना छोटा, वस्तु में कुछ करना नहीं है, है? क्या करना है बोलो, बोलो है क्या? कितना सरल जैन धर्म है, बोलो बोलो क्या करना है, है? मान अब ये काम तो नहीं करता, आपको तो 10 उपवास ठोक देता है। अरे भाई तू ये कर लेना, काम सीधा तो ये है नहीं जैसा, बोलो कौन सा काम सरल है बताओ? भिन्न को भिन्न मानना सरल है, है? बोलो हाँ जी, हाँ जी, क्या सरल है? हा? क्या भिन्न है उसको भिन्न मानना, हम गलत थोड़ी कह रहे, भिन्न है उसको भिन्न मानो, भिन्न है और भिन्न मनवा रहे, अगर अभिन्न और भिन्न के तो बात अलग है, या तो भिन्न है और भिन्न मानो, आप क्या दिख रहे हैं? बोलो कठिन तो नहीं काम है, ये तो आपकी कृपा से है, आपका ही है, और अंदर में बात क्या रहे हो आप? मैंने बनाया है, पिताजी ने क्या दिया है इसे? अपने तो अपना मामला तो श्रद्धा के ही चल रहा है बाबू जी, अपन बोलते तो है इसमें क्या दम है, ये तो धूल है, और अंदर में क्या मानते हो? दादाजी थे, दादाजी वो कहते ये तो मिट्टी है, क्या है, क्या बोलते थे, शरीर को हमेशा मिट्टी है, आप ये मिट्टी उठा लेंगे तो उठ जाएंगे, मतलब मिट्टी बिगड़ जाएंगे तो चले जाएंगे, बोलते तो मिट्टी थे और मानते क्या थे? मैं हूं, इसको मिट्टी का माने, ये तो मिट्टी नहीं है, मिट्टी मिट्टी नहीं है, है? जो मिट्टी नहीं है, मिट्टी तो मिट्टी है, जीव ने इसको कहा छुआ है? अरे शरीर तो अभी भी मुर्दा है, जिंदा तो उसमें जीव है, ये तो समझना है, शरीर अभी जिंदा नहीं है संजय जी भाई साहब, शरीर अभी भी मुर्दा ही है, उसमें चेतन बना थोड़ी है, चेतन बना किसमें है? इसमें जीव में चेतन बना है, और जीव ने शरीर को आज तक छुआ ही नहीं है, भले एक क्षेत्र में रह रहे हो, भले ही उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ हो, लेकिन क्या है, जीव ने शरीर को आज तक छुआ ही नहीं है। यदि तेरा इस प्रकार का श्रद्धान है तो भले तू शरीर को जान तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना चाह रहे। तो फिर जैसा वो ज्ञानी दरबार में शरीर को कैसे जानेगा कि शरीर में नहीं हो? ज्ञानी की पहचान क्या है बाबू? देखो ज्ञानी की पहचान यहां पे कोई पूजा कर रहा है उसके आधार से ज्ञानी नहीं कहा, कोई दान देता है उसके आधार से ज्ञानी नहीं कहा, कोई मंदिर बनवाता है उसके आधार से ज्ञानी नहीं किया था, कोई प्रवचन करता है उसके आधार से ज्ञानी नहीं कहा। ज्ञानी की पहचान क्या है? आपको आप रूप स्वीकार करें उसका नाम ज्ञानी। बस करना, कितना छोटा कोर्स है,
बोलो भैया, अपनी ताकत इस चीज को स्वीकार करने में नहीं लग रही। बोलो, आप खुद विचार करना, इस पर्याय में हमने धर्म के नाम पर क्या किया है, ये बताओ। धर्म के नाम पर रत्नकेश आचार्य जी का दूसरे नंबर का श्लोक ना मंगलाचरण के बाद, कि धर्म कहीं मंदिरों में नहीं है, धर्म कहीं तीर्थ स्थानों में नहीं है, जो वहां जाए वो मिल जाए। धर्म क्या है जनाब साहब? धर्म तो है, स्वभाव है, धर्मी के आश्रय से धर्म प्रकट होता है, है? उसका कोई विचार नहीं करता। बोलो, कितने भी लोगों को बोलेंगे इसका विचार कर, तू विचार कर, हाँ ये तो ठीक है, अब बताओ पहला क्या है? ये नहीं करना है कुछ, क्या बोलता है? अब बताओ करना क्या है? अरे यही करना है, क्योंकि बाहर में तो कुछ गड़बड़ है नहीं। आत्मा ने शरीर को छुआ नहीं, आत्मा ने कर्म को छुआ नहीं, आत्मा शरीर और कर्म से अत्यंत सदैव भिन्न रहते हुए भी इस आत्मा ने शरीर में अपनापन स्थापित कर रखा है। उसका नाम मिथ्या दर्शन है, उसके कारण जो भी ज्ञान है वो मिथ्या है, और उसका रमणता है वो क्या है? मिथ्या चरित्र है। अब मिटाना तो ये है, और ये बोलता है ये तो ठीक है। बोल अनादि की टेव है, उठे हो अभी बड़ी है, गजब की बात है, गजब है। असली पुरुषार्थ इस जीव को खबर नहीं है, है? रात दिन तेल पहले, रेत पहले, हाथ में बाबी तेल आता नहीं, और क्या कर रहे हैं अपन सुबह से शाम तक? धर्म के नाम पर हम कर क्या रहे हैं सुबह से शाम तक? अगर आपने वेद विज्ञान की आड़ी नहीं चला रहे हैं, तो आप ये निश्चित रूप पे जो मंद कसाई के परिणाम है उसमें आप धर्म मान के बैठे हो। जब आप कारण सही नहीं दोगे तो कार्य सही नहीं होगा, ऐसा टोडो मोदी साहब ने कहा है। क्या कहा है? कारण सही दो आप। मोक्ष मार्ग की विधि क्या है बाबूजी? वेद विज्ञान। वेद विज्ञान को बातें बातें इतना निशान है, है? कितने कितने लोगों को बात समझ में आ गई? आगे सबको समझ में, बहुत बढ़िया है। बस ये काम करना है, ये आप जब तक निर्णय में नहीं बिठाओगे ना, आपको बाहर की क्रिया का जोर रहेगा ना, तो समझ लेना उधर का झुकाव रहेगा, जबरदस्त झुकाव रहेगा। छोटी मोटी क्रिया शुद्ध अशुद्ध अपनी मर्जी से जो कर ली उसको आप धर्म मानने लग जाओगे। आपको कितनी जीव मिल जाएंगे अभी मिलने वाले, हमने तो गाय को घास डाल दी, अब क्या है? ये काम बढ़िया, ये धर्म है। कोई ने प्याव खोल दी, धर्म है। कोई ये धर्म, सब ने अपनी कल्पना से बाबूजी धर्म मान लो। गरीबों को खाना खिला दिया, ये धर्म है। जानवरों को खाना खिला दिया, धर्म है। अरे धर्म धर्मी के आश्रय से होता है, पहले ये बात समझ। धर्म किसके आश्रय से होता है? धर्मी के आश्रय से होता है, पर के आश्रय से तो सवाल ही नहीं उठता। कोई स्नान में धर्म पड़ा हुआ है, कोई मंदिर में धर्म रखा हुआ है, कोई तीर्थ यात्रा में धर्म रखा हुआ है? वहां आचार्य संबंध पद के स्वामी ने प्रतिज्ञा दी है दूसरे नंबर के श्लोक में कि मैं असली धर्म को बताऊंगा, है? और फिर रत्नकरण साहब का चार चालू हुआ है, समय जैसे ज्ञान चारित्र असली धर्म है। क्या असली धर्म क्या है? असली धर्म क्या है? अपनी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकट होना, उसका नाम धर्म है। क्योंकि ये वितरण भाव है। क्या भैया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये क्या है? वितरण भाव है। और मैंने अनादि से मंद कसाई के भाव को धर्म मान रखा है,
ये है गड़बड़। अनादि से मैंने पुण्य भाव को धर्म मान रखा है, आई बात समझ में? क्या गड़बड़ है? हाँ, पुण्य भाव क्या है? एक टाइप ऑफ कसाय, अकसाय भाव नहीं है, वह एक कसाय भाव का प्रकार है पुण्य भाव। बात पकड़ में आई आपको? क्या है? है? मंद कसाय, हाँ, कसाय का एक प्रकार है वो, मंद कसाय, उसको कहते हैं पुण्य। और मेरी श्रद्धा ने उसको धर्म मान रखा है कि मैं धर्म कर रहा हूं, यही गड़बड़ है। पहला गढ़ाई आपने उल्टा रख दिया है। हाँ, गेम तो श्रद्धा का है, और आचार्य देव यही बात आपको सही कराना चाहते हैं। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है, दो पंक्ति में सार भर दिया है साहब। क्या लिखा है? अनादि से परद्रव्य में आप रूप श्रद्धा ज्ञान आचरण था। किसका? किसका जैसा? मेरा। परद्रव्य में क्या था? आप रूप श्रद्धा। शरीर मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, गाड़ी मेरी, धन मेरा, आभूषण मेरा, ये क्या मान रखा था इसे बाबू जी? अनादि से जो पर्याय मिली उस पर्याय में इसने अहम बना। एक श्रद्धा गुण के साथ एक चक्कर है, क्या है? जिसको वो ज्ञान जो विषय देगा श्रद्धा को, उसमें क्या कर देता है? ये अहम कर देता है। श्रद्धा क्या कर देती है? अब आपकी जिम्मेदारी है कि श्रद्धा को इस प्रकार का विषय दो कि ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं। क्या करना है? ज्ञान की क्या जिम्मेदारी है? स्व और पर का भेद विज्ञान करके श्रद्धा को समझे। ऐसा क्या? शरीर नहीं मैं, कर्म नहीं मैं, राग नहीं मैं, एक समय की पर्याय नहीं मैं, ये सब कौन देगा विषय श्रद्धा को? ज्ञान देगा। किसके आधार से देगा? कि आगम में ज्ञानी गुरुओं ने क्या विधि बताई है स्वपर के भेद विज्ञान की। इसलिए आपको आगम का अभ्यास करना पड़ेगा। इसने आगम का अभ्यास छोड़ दिया और सही विषय श्रद्धा को दिया नहीं जैसा, और अपनी मर्जी से कुछ भी मानना चालू कर दिया। चालू है, ऐसा मानता ही था, और आग में घी डालने वाले और मिल गए। अरे ये करो तो धर्म हो जाएगा। पहले से तो वक्त गड़बड़ थी, और फिर और उसको ऐसे विपरीत समझाने वाले मिल गए। नहीं मिलते लोक में भी है? लोक में ऐसा बोलते ना, अरे इनको न्याय करो बच्चों से तो तुम्हारे साथी हो जाएगी। नहीं समझाते बाबू जी है? क्या उनसे अलग कर दो शांति हो जाएगी? हाँ, अपनी पूंजी देना मत किसी को, शांति हो जाएगी। नहीं समझाते लोक में, लोक के एक्सपर्ट है? बोलो, नहीं समझाते जैसा? कौन? जिसको आप अपने घनिष्ठ मानते हो ना, अपने शुभ चिंतक, वही तो समझाते हैं आपको है? कुछ भी हो जाए अपने को ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी गड़बड़ समझाने वाले, दान दो धर्म हो जाएगा, पूजा करो धर्म हो जाएगा। अरे महाभाग्य से इस जीव को आचार्यों की बात कान पड़ी है। क्या कान पड़ी है? कि भैया धर्म की शुरुआत धर्मी के आश्रय से होती है। मिथ्या श्रद्धा जब तक नहीं मिटेगा तब तक धर्म की शुरुआत नहीं है। और मिथ्या श्रद्धा जैसे किसको कहते हैं? ये जीव परब्रह्म में आप रूप जो श्रद्धा करके बैठा है, जब तक इसका अपने में आप रूप श्रद्धा नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये है बात। सुखी होने के लिए यही पुरुषार्थ करना है अपने को। क्या पुरुषार्थ करना है? आप में आप रूप श्रद्धा, और पहले आप क्या है उसकी खोज करो, तब आप सब्जेक्ट दोगे श्रद्धा को, ज्ञान मतलब विषय दोगे ना। देखो क्या कह रहा है, उसे छुड़ाने के लिए उपदेश है। अपने अपने ही में आप रूप श्रद्धा ज्ञान आचरण होने से
परद्रव्य में राग द्वेषादि परिणति करने का संधान व ज्ञान व आचरण मिट जाए तब सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन किसका नाम है कैलाव सर? जिस समय शरीर में अपनापन मिट जाए, तो साहब मकान में अपनापन नहीं, शरीर आत्मा में अपनापन स्थापित हो जाए और उसको छोड़कर अन्य सब में अपनापन मिट जाए, उसका नाम सम्यक दर्शन है। कितनी सरल बात है, क्या मिटाना है जैन साहब? क्या पत्नी को अभी नहीं हटाना है, मकान को अभी नहीं हटाना है, हटाना किसको हटाना है? अपनापन हटाना है। क्या हटाना है? अरे बात पकड़ भाई, क्या हटाना है अभी? जब आपका अपनापन अपने में हो जाएगा और विशेष रमणता होगी तो ये सब छूट जाएंगे, क्योंकि छूटे हुए ही है ये, तो इनको क्या पकड़ के रखा है? तो अभी क्या पकड़ के रखा? कपड़ा भी छूटा हुआ है, मकान भी छूटा हुआ है, पत्नी भी छूटी हुई है, बच्चे भी छूटे हुए, क्या छूटे हुए हैं? अच्छा आप ईमानदारी बताओ, आपको घर में किसने रोक रखा है? आपको घर में किसने रोक रखा है? घर कौन छोड़ने नहीं देता आपको? बोलो जल्दी बोलो। बच्चा नहीं छोड़ने देता, पोता नहीं छोड़ने देता, पत्नी नहीं छोड़ने देती, मकान नहीं छोड़ने देता, गाड़ी नहीं छोड़ने देती, फैक्ट्री नहीं छोड़, कौन नहीं छोड़ने देता आपको घर? बोलो ना, सब लोग इतने परफेक्ट, कौन कौन नहीं छोड़ने देता? बोलो कैलाव साहब, कौन नहीं छोड़ने देता? मोह, ठीक है, आपका अज्ञान, आपकी मिथ्या मान्यता, उसको मिटा दो। दुख किससे? घर से है, पत्नी से है, बच्चे से है, मकान से है, फैक्ट्री, दुख किससे है? बस इतनी सरल बात है। हाँ तो शांति, अब शांति प्राप्त करने को मिटाना तो पड़ेगा। अभी मोह को रखकर आप सुखी नहीं हो सकते ना बाबू जी, बोलते तो बात यह है, मोह को रखकर सुखी नहीं हो सकते ना। और यदि इसकी विस्तार में जाए तो सामग्री को रखकर आप सुखी नहीं हो सकते जैसा, उसको अपन ने और डिफाइन कर दिया, घाट दे दी। क्या भाई साहब? मोह को रखकर आप सुखी नहीं हो सकते, ठीक उसी प्रकार सामग्री को जोड़कर आप सुखी नहीं हो सकते। अब अपना क्या उपाय चलता है सुखी होने के लिए? क्या चलता है सुखी होने के लिए उपाय? भाई अपने पास कंदोरा नहीं था 10 तोलों का, तो रोज पत्रिका सीर खा रहे थे 5 साल से, आज जाके कंदोरा बन गया, अब तो सुखी शांति हो गई। 5 साल में तो परेशान नहीं थे आप काई के लिए? बाबूजी किराए के मकान में बहुत झिकझिक थी, रोज पति से कहते ये क्या समस्या है, सामान उठाओ, ये नहीं है, यहाँ ऐसे पैसे नहीं थे, अब आपने घर का मकान बना लिया तो सुखी? सब गर्दन नाच कर रहे हो, क्या चक्कर है? अच्छा चलो आपने बात समझ में आ गई, उपाय क्या करता है सुखी होने का? बोलो उपाय क्या चल रहा है? उपाय क्या चल रहा है बहुत सुखी होने का? बोलो भाई एक बात समझ लेना, आप मायाचारी कर रहे हो तो भी नुकसान आपको है ना। आप भले इधर बोलो कुछ और मानो कुछ तो उसमें नुकसान किसका है? अरहंत भगवान का है कि आचार्य भगवान को का है? किसका नुकसान है? मानना तो आपको ये पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कैलाव साहब? कि वीतराग दशा जब तक पर्याय में प्रकट नहीं होगी तब तक मैं सुखी नहीं, और वीतराग दशा प्रकट करने के लिए वीतराग स्वभाव का आश्रय लेना पड़ेगा, और वीतराग स्वभाव का आश्रय लेने के पहले उस स्वभाव के संबंध में ज्ञानी गुरुओं के मुख से सुनना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं। और कोई सरल रास्ता बता दो आप, अरे इससे सरल क्या हो सकता है?
है। देखो कितनी सुंदर बात कही टूर्नामेंट का, यदि परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धानादिक करने से सम्य दर्शन आदि न होते हो तो केवली के भी उनका अभाव हो। क्या कह रहे हो सर? क्या इस पंक्ति का मतलब समझ में आया आपको? केवली भगवान परद्रव्य को तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। सिद्ध भगवान जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो फिर उनको मिथ्या दर्शन है क्या? नहीं है। तो उनका क्या सिद्धांत चलता है कि ये परद्रव्य परद्रव्य पर है और मैं उससे भिन्न हूं। क्या सिद्धांत चलता है उनका? ये परद्रव्य है और मैं उससे भिन्न हूं। अब अगर इस प्रकार का सिद्धांत अपने भी चले तो क्या प्रॉब्लम है? बोलो है? बोलो जैसा कितना इजी है। क्या अंतर है अनंत भगवान में और हमें? क्या अंतर है मुनि भगवंतों में हमें? उनके सिद्धांत ये चलता है, धारा चलती है, धारा चलती है क्या कि मैं परद्रव्य से भिन्न हूं, अपने अनंत गुणों का अभिन्न पिंड हूं। आई बात समझ में? देखो इस धारा का जोड़ कितना है, इस धारा के साथ बाहर में किसी भी प्रकार का संयोग नहीं है उनके, तो भी वे सुखी हैं। और मैं विपरीत धारा के साथ अनंत संयोगों के बीच में भी दुखी हूं। बोलो कितना जबरदस्त अंतर है। इससे क्या मतलब समझ में आया? इस संयोगों का तो कोई रोल ही नहीं है। तू सुखी होने के लिए जो रात दिन मेहनत कर रहा है ना संयोगों को जोड़ने का, है ना, आप इधर से इसको हटाना, इसको इधर लाना, अरे भैया ये सुखी होने का वास्तव में सच्चा उपाय ही नहीं है। और कहे ये तो दुखी होने का उपाय है। क्या कहना साहब? क्या क्या उपाय है? दुखी होने का उपाय है, रेत से घी निकालोगे घी तो नहीं मिलेगा बाबू, लेकिन बड़े पंडित जी क्या कहते हैं, थकान तो मिलेगी। क्या मिलेगी? थकान तो मिलेगी, दुख तो मिलेगा। आप रेत को पेलो घी निकले, घी तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? है ही नहीं। गजब की बात है। क्या कह रहा साहब? है ही नहीं। अब तो सोना चांदी कितना भी इकट्ठा कर सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा संजय जी भाई साहब? है ही नहीं। बस तो फिर क्या मिलेगा जैन साहब? क्या मिलेगा? थकान मिलेगी, परेशानी मिलेगी, टेंशन मिलेगा संभालने का। अरे हाँ जी अन्ना जी, अरे बोलो क्या क्या बात। ये नजर बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। क्या मिलेगा कह सर? अरे नहीं मानता तो रखो संसार में, मानना तो यही पड़ेगा ना। आप ये विचार करो कि ऐसी विपरीत मान्यताएं और रख के मैं सुखी हो जाऊंगा क्या? ये बताओ। कोई माने नहीं माने जगत में, आप ये विचार करो कि इस मान्यता को रखकर मैं सुखी हो जाऊंगा क्या? नहीं होगा। अब मुझे सुखी होना है कि नहीं होना है? होना है, तो मेरे को ये बीमारी दूर करनी है। अब ये क्या चक्कर है? ये बीमारी तो दूर नहीं कर रहा है, और कुछ अपनी मर्जी से कुछ भी करे उससे क्या होगा? बोलो क्या होगा? और आपको बिल्कुल एक स्पष्ट विजन होना चाहिए कि जैन दर्शन क्या कहता है। जैन दर्शन में दो टूक बात है, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र ये धर्म है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये आपका अधर्म में दुख है। ठीक है, उसको मिटाना है। अब मिथ्या दर्शन कैसे कहते किसको है? है परदेव में आप रूप सिद्धांत है, परदेवंते भिन्न आप में रुचि सम्यक बना, एक पंक्ति में लिख दिया है। अब आपको वो काम तो करना नहीं है, और आप सोचोगे मैं धर्मात्मा हो जाऊं, वो संभव नहीं है। यहां क्या कह रहे बाबू जी? परद्रव्य को जानने से कोई दिक्कत नहीं है,
अरे तो भगवान के तो सकल गे गाय तदपि है ना, जितने भी गे हैं सब उनके ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन उनका तब तब भी क्या श्रद्धा बढ़ती है, मैं उनसे अत्यंत भिन्न हूं। क्या ठीक उसी प्रकार ज्ञानी धर्मात्मा के भी शरीर को जानने के काल में या अन्य परद्रव्य को जानने के काल में ये निरंतर श्रद्धा बढ़ती है, क्या जैन साहब, ये मैं नहीं। बस इतना सा है जैन दर्शन। अब देखो और बहुत खतरनाक बात कही, क्या देखो पढ़ते हैं भाई, जहां परद्रव्य को बुरा जानना और निज द्रव्य को भला जानना हो वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए हैं। क्या कहा गया उसको, क्या कहा बाबूजी, फिर पढ़ता हूं, जहां परद्रव्य को बुरा जानना और निज द्रव्य को भला जानना हो क्या वहां राग द्वेष सहज ही हुए, और राग द्वेष है वो तो क्या है, दुख है, तो इसमें क्या गड़बड़ी होगी, इस पंक्ति में बताओ क्या क्या गड़बड़ी होगी जैन साहब, एक को भला जाना और एक को बुरा जाना, जहां भला और बुरा जानना हुआ, चाहे निज द्रव्य को भला जाना हो और परद्रव्य को बुरा जाना हो तो भी राग द्वेष होगा होगा होगा, निज द्रव्य मैं हूं और परद्रव्य मुझसे भिन्न है, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं चाहिए। आई बात समझ में, क्या बात पकड़ में आ गई आपको, क्या बात कठिन है ना बात, क्या शरीर बुरा है ऐसा अगर आपने जाना तो राग द्वेष हुए बिना, शरीर में नहीं हूं काम खत्म, शरीर शरीर है उसमें भला और बुरा खत्म, शरीर है शरीर है और शरीर में नहीं हूं, बस इष्ट अनिष्ट न जग में कोई, क्या क्या कहा, इष्ट अनिष्ट न जग में कोई, मात्र ज्ञान का ये हो शरीर को क्या जाना, यदि शरीर को आपने बुरा जाना तो द्वेष हो गया, तो शरीर को क्या जानना है, शरीर में नहीं है। पड़ोसी को यदि बुरा जाना तो क्या होगा जैन साहब, द्वेष हो गया, और बुरा जानोगे तो हटाओगे, हटाओगे तो बाहर में आपका कुछ चलेगा नहीं, वो तो जाएगा तो उदय अनुसार आप परेशान होंगे, तो क्या करना, वो मैं नहीं बाबूजी, ये मेरी बाउंड्री से बाहर है, यहां मैं नहीं, अब वहां क्या है जाने दो, वहां मैं हुई नहीं तो क्या लेना देना, क्या बेटा है, कठिन हो गई बात, कितना कितनी सुंदर बात उठाई डॉक्टर मनीष साहब ने, आत्मा को भला जानना और शरीर को बुरा जानना, इसमें भी इष्ट अनिष्टपना आ गया है, और इष्ट अनिष्टपना राग द्वेष को उत्पन्न करता है, और हमको तो राग द्वेष मिटाना है, है? बात पकड़ में आई आपको, क्या हाँ, गोबर तो गोबर है और चंदन की लकड़ी तो चंदन की लकड़ी है, अगर आप गए बाहर तो गोबर में आपने अनिष्ट पने की कल्पना करी द्वेष भाव हो जाएगा, उसमें इष्ट पने की कल्पना करी तो राग हो जाएगा, दोनों से मैं भिन्न हूं तो मात्र ज्ञान का ये हो है? वो भी जगत की एक वस्तु है, ये भी जगत की एक वस्तु है, ये इष्ट अनिष्ट पना किसने डाला है, सरल है बात, कहो साहब बात पकड़ में आई, पूरा मांग बढ़ दिया टोटल मेरे साहब ने दो पंक्ति, देखो अभी पढ़ते कल आगे इसका विचार करें, जहां आपको आप रूप और पर को पर रूप यथार्थ जानता रहे, भाई साहब शरीर बुरा है ऐसा जानना यथार्थ नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं ऐसा जानना यथार्थ है, भाई बात समझ,
क्या कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। ये दो पंक्ति बहुत जबरदस्त है। क्या कहा? जहां आपको आप रूप और पर को पर रूप कैसा जाने, यथार्थ। मैंने ऊपर क्या करा, शरीर को पूरा जाना, परदेड़ को वो अयथार्थ जानना हुआ। परदेड़ तो परदेड़ में है, वैसे ही श्रद्धान आदि रूप प्रवर्तन करे तभी सम्यक दर्शन आदि होते हैं, ऐसा जान। ठीक है, कल इसकी चर्चा करेंगे।